हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के फिजिकल एजुकेशन की सीरीज चला रही हूँ। ये सीरीज नंबर 2 है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस जिस जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करके हर एक टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चंस एमसीक्यू के साथ विद एक्सप्लेनेशन के साथ वर्णन कर रही हूँ। दोस्तों, रोज एक सीरीज आता रहेगा और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पिछले साल पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के टॉपिक। कंकाल तंत्र के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं, दोस्तों पहला क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों, एकदम सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? इसका सही आंसर है, मानव शरीर के सभी भाग के कार्य। दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर देते समय आप 80% लोग दिए होंगे मानव शरीर क्रिया, लेकिन इसका सही आंसर है मानव शरीर के सभी भाग के कार्य। यदि ए ऑप्शन नहीं देता तो वो बी वाला सही हो जाता। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि शरीर क्रिया विज्ञान और एनाटॉमी यानी रचना विज्ञान में क्या अंतर है। रचना विज्ञान में यह होता है कि हमारे शरीर के जितने संस्थान हैं उसके लंबाई चौड़ाई संख्या कितना है, उसकी संरचना क्या है, इसके बारे में वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बट शरीर क्रिया विज्ञान में जो होता है कि हमारे जो ये संस्थान है किस प्रकार से कार्य करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट रेट कैसे बढ़ता है, हमारा हमारे जो भोजन होते हैं, भोजन के जो भी पोषक तत्व है वो कैसे हमारे समस्त शरीर में जाता है, मतलब हमारे शरीर में जो भी संस्थान वो कैसे क्रिया करते हैं, ये सब का अध्ययन, हमारे कार्यों का अध्ययन, कैसे हमारे शरीर के सभी अंग आपसी तालमेल बैठा करके कार्य करते हैं, ये सब अध्ययन किया जाता है शरीर क्रिया विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? शरीर की संरचना को अध्ययन को क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य विधि, संरचना की कार्य विधि बोला है, तो कार्य विधि का नाम आते ही आपका सही आंसर हो जाएगा शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर रचना संबंधी शब्द सुमेलित है? दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है एंटीरियर, लेटरल, प्रोन, मेडियल। तो इसमें आपको छांटना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, बायोलॉजिकल भाषा में कुछ शब्दों को इस प्रकार से बोला जाता है जिसमें से कौन सही नहीं है, ये आपको छांटना है। जैसे कि इसमें एंटीरियर मतलब सामने, ये सही है। लेटरल मतलब बाहर की ओर, ये सही है। प्रोन मतलब चेहरा नीचे यानी कि पेट के बल सोना। मेडियल मतलब होता है दोस्तों अंदर की ओर, इसलिए एक ऑप्शन आपका गलत है। दोस्तों, इन सब के बारे में जानने के लिए मैंने आज वीडियो डाला है, जितने भी एनाटॉमिकल शब्द हैं कि किसको क्या बोलते हैं, तो आप शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। एंड दोस्तों, जोड़ों के अध्ययन को, हड्डियों को, ज्वाइंट्स के जो है उसके अध्ययन को आर्थोलॉजी बोला जाता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे स्पाइन में कितने प्रकार के गतिविधि यानी मूवमेंट संभव है? कितने प्रकार के मूवमेंट संभव है हमारे स्पाइन में? तो 4 प्रकार के मूवमेंट संभव है। तो
तो चलिए जानते हैं कैसे कैसे चार प्रकार के मूवमेंट संभव हैं। इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मतलब हम अपने गर्दन को, स्पाइन को आगे पीछे फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं। एंड पार्श्व झुकाव यानी लेटरल फ्लेक्शन कर सकते हैं, तीन हो गया। एंड एक अक्षीय घुमाव यानी कि एक्सियल रोटेशन, हम अपने गर्दन को एक स्थान से चारों तरफ हम घुमा सकते हैं। इस प्रकार इसमें चार प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं दोस्तों। रीढ़ की हड्डी को बैक बोन भी कहते हैं और हमारे मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी में 26 कशिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि ये वयस्क में एंड बच्चों में 33। सभी हड्डियों के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो पेल्विक भाग, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में पेल्विक की जो आकृति होती है अधिक बड़ी और चौड़ी वाली होती है, क्योंकि दोस्तों इनका गुरुत्व केंद्र नीचा होता है, जैसा कि मैंने गुरुत्व केंद्र पर वीडियो बनाया है कि जो महिलाओं के गुरुत्व केंद्र होता है पुरुषों से नीचा होता है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह एक संयोजी ऊतक है और रक्त की उत्पत्ति जो है भ्रूण के मीसोडर्म से हुआ है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? जैसा कि आप सबको पता है 206 हड्डियां होती हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम मानव शरीर में मांसपेशियों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की जोड़ों की संख्या कुल 250 से 350, 250 से 350 मांसपेशियों की जोड़ों की संख्या होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है साइनोवाइटिस। दोस्तों जैसा कि सभी चोटों के बारे में, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं उसका एक एक करके सभी इंजरी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साइनोवियल नामक, जैसा कि आपको साइनोवियल नामक तरल पदार्थ कहाँ पे होता है, जैसे हमारे जो जोड़ों हमारी हड्डियों की ज्वाइंट्स जो होती हैं उस ज्वाइंट्स पे एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो हमारे ज्वाइंट्स को चलायमान यानी मूवमेंट कराती है और उसको सेपरेट रखती है, उसको लुब्रिकेट्स करती है। जैसे हमारे मोटर गाड़ी यानी कि बाइक, जो भी चीज चलाने के लिए हमको मोबिल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे ज्वाइंट्स को, हमारे जो हड्डियों की जोड़े हैं उन सबको वो घिसे ना, वो अपने सेपरेट में रहे, इसके लिए साइनोवियल द्रव होता है हमारे जोड़ों में, जोड़ों के आसपास। अगर उस एरिया में कोई सूजन आ जाए तो उसे हम साइनोवाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? जैसा कि आप सबको पता है 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, अगर संख्या में पूछेगा तो 24 हो जाएगा। 12 जोड़ी यानी 12-12 दोनों तरफ होती हैं दोस्तों, कुल 24 पसलियां होती हैं दोस्तों। जैसा कि ये पसलियां जो भी हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रू रिब्स, एक फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स दोस्तों जो 1 से लेकर 7 पसलियां होती हैं, वो प्रत्येक पसलियां अलग अलग रूप से उरोस्थि से जुड़ी होती है। जैसा कि पसलियां किससे जुड़ी होती हैं, बीच में एक मोटी हड्डी होती है जो उस उरोस्थि से जुड़ी होती है हमारी पसलियां। तो 1 से लेकर 7 पसलियां जो उरोस्थि से अलग अलग रूप में जुड़ी रहती है उसको ट्रू रिब्स यानी ट्रू रिब्स कहते हैं। एंड फॉल्स रिब्स जो 5 और बचता है वो होती हैं दोस्तों फॉल्स यानी बनावटी पसलियां। इसमें 8वीं 9वीं 10वीं जो पसलियां होती हैं उरोस्थि से जुड़ने से पहले ही आपस में जुड़ जाती हैं, तब उरोस्थि से एक साथ एक स्थान पर जुड़ती हैं। एंड दोस्तों ये होता है 11वीं और 12वीं जो उरोस्थि से नहीं जुड़ती हैं, बिल्कुल अलग रहती हैं, उसको तो एकदम स्वतंत्र रहती हैं। तो 11वीं 12वीं पसली को तैरने वाली पसलियां फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है? रेडियो अल्ना स्थित अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है? इसका सही जवाब है फोर आर्म। फोर आर्म यानी दोस्तों अग्रहाथ, फोर आर्म यानी अग्रहाथ में हमारे अंगूठे के तरफ से सीधे कोहनी तक जाती है रेडियस हड्डी एंड अल्ना हड्डी हमारे छोटी उंगली से सीधे हमारे कोहनी तक जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्केपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? इसका सही जवाब है अपर बैक में, यानी दोस्तों हमारे जो कंधे की हड्डी होती है वो स्केपुला होती है, अपर बैक में होती है। स्केपुला अंश मेखला भी इसको बोलते हैं। पेक्टोरल गर्डल की एक अस्थि होती है, यह एक चौड़ी त्रिकोणाकार होती है जिसका एक सिरा जो है ह्यूमरस के शीर्ष भाग से जुड़ता है, यह पीठ के ऊपरी भाग में स्थित होती है जैसा कि आप सभी देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप इसको छाटिए कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्ततों यहाँ पे है सीसमॉयड बोन, पटेला, ये तो सही है, एंड शार्ट बोन, कार्पल, ये भी सही है, फ्लैट बोन, स्केपुला, ये भी सही है, इरेगुलर बोन, टॉर्सल दिया है, जबकि इरेगुलर बोन दोस्तों हमारे चेहरे की हड्डी एंड हमारे स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इरेगुलर बोन में आता है। तो ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि अस्थियों के वर्गीकरण में मैंने बताया है, अस्थियों के वर्गीकरण वाले वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं कि अस्थियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सीसमॉयड बोन। लॉन्ग बोन में हमारा लंबी हाथ हाथ और पैरों की हड्डियाँ आती है जो हमारे लीवर की तरह काम करता है, इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला आदि आते हैं। एंड शॉर्ट बोन में दोस्तों हमारे कलाई और टखने की जैसे कि कार्पस, टार्सस और ब्रिस्ट की जो हड्डियाँ होती हैं वो आती हैं। एंड फ्लैट बोन में हमारे कपाल की पसलियाँ और स्केपुला, ये फ्लैट बोन में आते हैं। एंड इरेगुलर यानी कि अव्यवस्थित हड्डियों में हमारे चेहरे की और रीढ़ की हड्डियाँ आती हैं। एंड सीजमॉयड बोन हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ की हड्डियाँ आती हैं, जैसे हमारे पैर के घुटने पे कौन सी हड्डी होती है जॉइंट्स पर, पटेला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है, एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? सही आंसर है जोड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3 प्रकार के। कौन कौन से जोड़ होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के जोड़ कौन कौन से होते हैं बताइए? चल, अचल, अर्धचल संधि। कौन कौन से जोड़ होते हैं? चल, अचल, अर्धचल संधि। चल संधि को दोस्तों, अचल संधि को फिक्स ज्वाइंट, फाइबर ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट बोला जाता है। एंड अर्धचल को सिग्नली मूवमेंट, कार्टिलेजियस एंड एम्फियाथ्रोसिस ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है। एंड जो हमारा चल संधि होता है उसको फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, साइनोवियल ज्वाइंट्स एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट्स भी बोला जाता है। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंज संधि होती है, हिंज संधि कितनी होती है दोस्तों? जैसा कि हिंज जो हमारा अचल संधि है, चल संधि है, वो 6 प्रकार का होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बाल एंड सैकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, कॉन्डिलर ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट एंड सेडल ज्वाइंट। जैसा कि दोस्तों ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है, एक हड्डी दूसरे हड्डी की सतह पर के ऊपर फिसलती है, तो इसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट में कार्पस एंड टॉर्सस ज्वाइंट आ जाता है। बाल एंड सैकेट ज्वाइंट होता है, हड्डी एकाएक सिरा दूसरे हड्डी के कप के सिरे में, जैसे कि हड्डी का एक सिरा दूसरी हड्डी के सिरे में फंसा रहता है, जैसे सभी दिशाओं में हमारा मूवमेंट हो सकता है, तो ये हमारा बाल एंड सैकेट ज्वाइंट होता है। ये हमारे शोल्डर ज्वाइंट्स एंड हमारा हिप ज्वाइंट्स,
बार एंड सेकेंड ज्वाइंट में आता है। एंड तीसरा होता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट दोस्तों इसको कब्जा संधि भी कहते हैं। इसमें एक तल में गति होती है, एक ही दिशा में होती है। जैसे हमारा दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, उसी तरह ये एक दिशा में गलती होती है इसकी। जैसे कि हमारा नी ज्वाइंट्स, एल्बो ज्वाइंट्स, उंगलियों और जबड़ों का ज्वाइंट्स, ये हमारे हिंज ज्वाइंट में आता है। कॉन्डिलेवर ज्वाइंट्स में दो तल में गति होती है दोस्तों। इसमें हमारा जो ब्रिस्ट ज्वाइंट, कलाई का जोड़ है, ये कॉन्डिलेवर ज्वाइंट्स में आता है। एंड पिवट ज्वाइंट्स में दोस्तों इसमें रोटेशन मूवमेंट होता है। एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है। इसमें हमारे सिर की गति यानी हमारा जो गर्दन का ज्वाइंट्स है वो सिर पर घूमता है। और रेडियस अल्ला हड्डी एक दूसरे पर घूमता है। सुपाइनेशन और प्रोनाइशन जैसी घूर्ण गति करती है, यानी कि हमारे सिर की गति और रेडियस अल्ला, ये हमारा प्योर ज्वाइंट्स में आता है। एक होता है छठवां दोस्तों चल संधि का सैडल ज्वाइंट्स, जो परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है, यानी किसी भी दिशा व तल में गति कर देते हैं। जैसे हमारे अंगूठे का ज्वाइंट्स होता है, जैसे ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटा कार्पल हड्डी की संधि जो होता है अंगूठे के पार्ट पास, तो अंगूठा उसके चलते प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। ये होता है चल संधि। अचल संधि में दोस्तों हमारा जो अचल मतलब कोई मूवमेंट्स नहीं होता है, जो हमारे खोपड़ी का ज्वाइंट्स होता है वो सूचर खोपड़ी का ज्वाइंट्स को सूचर कहते हैं, वो ज्वाइंट्स हो जाता है अचल संधि में। एंड हमारे जो दांतों का ज्वाइंट्स होता है, जिसे गोम्फोसिस या पेग एंड साकेट ज्वाइंट्स कहते हैं, ये आ जाता है। एंड दोस्तों अर्धचल संधि में हमारा इंटरवर्टिबल ज्वाइंट्स, अर्धचल मतलब जो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, पूरा मूवमेंट नहीं होता है, जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डियाँ हो गया, इसको इंटरवर्टिबल ज्वाइंट्स बोला जाता है। एंड जो हमारा रिप्स हो गया, स्टर्नम के साथ जो पसलियाँ जुड़ी होती हैं वो ज्वाइंट्स हो गया। तो दोस्तों इसका हिंज संधि इसमें होती है, इसमें सही आंसर क्या होगा? तो हिंज संधि जो है किसमें आता है? चल, अचल, अर्धचल, किसमें आता है? सचल संधि में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंज संधि को बोला जाता है, क्या कहा जाता है हिंज संधि को? कौन सा प्रकार है? चल संधि का भाग है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे हिंज संधि को? मूवेबल ज्वाइंट। क्या बोलेंगे? मूवेबल ज्वाइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंज ज्वाइंट कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण कौन सा है? घुटने का जोड़ कि कोहनी का जोड़ कि उंगली का जोड़? दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे घुटने, कोहनी, उंगली और जबड़ों का जोड़ हिंज ज्वाइंट में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो वह क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? ज्वाइंट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल एंड साकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है, कौन सा मूवमेंट होता है दोस्तों? जैसा कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि बाल एंड साकेट जोड़ ऐसा है जिसमें जो हर प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, तो इसमें सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंधे का जोड़ एक प्रकार है, कौन सा प्रकार है कंधे का जोड़? तो इसका सही आंसर होगा बाल एंड साकेट जोड़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद और गड्ढेदार जोड़ है तो ये किसका बात कर रहा है? इसमें दोस्तों कंधे का जोड़, कुल्हे का जोड़, कलाई का जोड़, इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही है बताइए? गेंद और गड्ढेदार जोड़ यानी कि बाल एंड साकेट जोड़ का। तो इसमें दो ऑप्शन सही है दोस्तों, कंधे का जोड़ और कुल्हे का जोड़, दोनों बाल एंड साकेट जोड़ के अंतर्गत आता है। इसमें बताइए दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाकुंचन यानी प्रोटेक्शन और आकुंचन यानी रिट्रैक्शन होता है, किस जोड़ में होता है यह? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कंधे का जोड़। जैसा कि दोस्तों संधियों की गति यानी ज्वाइंट्स मूवमेंट्स में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, आप किनेसियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं ज्वाइंट्स मूवमेंट वाले। तो इसमें क्वेश्चन है, अपाकुंचन यानी प्रोटेक्शन और आकुंचन रिट्रैक्शन होता है किसमें?
तो ये इसका सही आंसर है कंधे के जोड़ में। जैसे कि दोस्तों रिट्रैक्शन यानी जो प्रोटेक्शन होता है, रिट्रैक्शन है प्रोटेक्शन होता है, तो रिट्रैक्शन मतलब होता है शोल्डर ज्वाइंट्स को यानी कंधे को पीछे ले जाना, शोल्डर ज्वाइंट्स को पीछे ले जाना रिट्रैक्शन होता है। प्रोट्रैक्शन होता है कि शोल्डर को वापस लाना, वापस आगे लाना प्रोटेक्शन होता है। तो ये मूवमेंट कहाँ पे होता है, हमारे कंधे के ज्वाइंट्स में। जैसे कि दोस्तों कंधे के ज्वाइंट्स में, ज्वाइंट्स आपका बाल एंड साकेट ज्वाइंट्स में आता है, एंड इस ज्वाइंट्स में रोटेशन, सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन सभी प्रकार की गतियां संभव होती हैं हमारे बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स में। दोस्तों नेक्स्ट है कि मानव शरीर में हिंज संधि पाई जाती है, इसमें कौन सा सही होगा? आपने सही आंसर टिक कर दिया होगा, सही आंसर है कोहनी। दोस्तों नेक्स्ट है कि कोहनी और घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, क्वेश्चन घुमा घुमा के वही वही क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें कौन सा सही होगा? कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है, किस प्रकार की? तो कब्जा संधि, जिसे हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हिंज ज्वाइंट बार बार पूछा है कि कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है। आप इसको सोच के आंसर दीजिएगा, जो हमारी कोहनी की गति है यानी एल्बो ज्वाइंट्स है, वहां पे कोहनी की संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है, इसमें आपको ये बताना है। आकुंचन प्रसारण, आकुंचन विस्तारण, अधोवर्तन, घूर्णन। दोस्तों यहाँ पे एकदम सही आंसर दिख रहा है आपका, घूर्णन यानी जो रोटेशन मूवमेंट होता है हम अपने कोहनी से नहीं कर सकते हैं, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं, अधोवर्तन भी कर सकते हैं यानी कि प्रोनेशन भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है घूर्णन हम नहीं कर सकते हैं। घूर्णन हम किस पे कर सकते हैं? पीवर ज्वाइंट्स में कर सकते हैं, जो हमारे गर्दन की ज्वाइंट्स होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची एक और सूची दो के बीच परस्पर जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है, इसमें सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि कंधा, कंधा का ज्वाइंट्स किस में आता है दोस्तों? बाल एंड साकेट ज्वाइंट्स में। तो पहला का क्या हो जाएगा? एक का चौथा हो जाएगा। एंड कोहनी का ज्वाइंट्स किस में आता है? हिंज ज्वाइंट में। तो बी का थ्री हो जाएगा, ए का चौथा, बी का थ्री। एंड गर्दन का ज्वाइंट किस में आ जाएगा, जिसमें रोटेशन मूवमेंट होता है? पीवर ज्वाइंट में आ जाएगा, तो सी का टू। एंड कलाई जो होता है उस किस में आ जाएगा? दोनों तल में गति होती है, ग्लाइडिंग जो संधि में आ जाएगा, तो इसका डी का वन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोर संधि, जिसे हिंज ज्वाइंट कहते हैं। तो कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट के परिपेक्ष में निम्नलिखित में से कौन सी गति सही है? अपवर्तन, अभिवर्तन, अपवर्तन, अभिवर्तन। दोस्तों अपवर्तन मतलब एबडक्शन, अभिवर्तन मतलब एडक्शन। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे हिंज ज्वाइंट है या कोर संधि या हिंज संधि जो है, उसमें कौन सी गति नहीं हो सकती है। हिंज संधि में कौन कौन सा आता है? एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट्स, नी ज्वाइंट्स, हमारी उंगलियां का फ्लैंजिस ज्वाइंट एंड हमारा जबड़े का ज्वाइंट्स, ये आता है। तो अपने सोचिए एल्बो ज्वाइंट्स मान लीजिए, ले लीजिए हमारे कोहनी का संधि, तो क्या इसमें हम एबडक्शन एडक्शन कर सकते हैं यानी अपवर्तन अभिवर्तन कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये हमारे कंधे के ज्वाइंट्स में होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी, न तो वन और न ही टू। एक क्वेश्चन दोस्तों यल्टी ग्रेड 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि में अस्थि को 360 अंश में घुमाया जा सकता है? तो दोस्तों ये ही संधि है वो कंदुकखलिका संधि, जिसे बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स बोला जाता है। इसमें 360 अंश यानी हम पूरे कोण में इसको घुमा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों कंदुकखलिका संधि जो हमारा बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होता है, गोल उभरा हुआ सिरा दूसरे हड्डी के प्याले नुमा गड्ढे या खलिका में फिट होता है, और इसमें हम
सिरे वाली हड्डी चारों ओर 360 अंश तक घूम सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ में किसमें पाया जाता है? बीच में खाली स्थान है, आपको इसमें भरना है कि मानव शरीर में ग्लाइडिंग जॉइंट्स किसमें पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स मतलब दोस्तों एक दूसरे पर हड्डियां सरकती हैं, जैसा कि मैंने बताया है ग्लाइडिंग जॉइंट्स में कार्पल एंड टार्सस हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसमें कार्पल एंड टार्सस किसमें होंगी? कलाई पर ही हमारी होती है कार्पस एंड टार्सस हड्डियां, तो हाथ की कलाई में कार्पस हड्डियां होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, कलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स का उदाहरण है, इसमें आप बताइए ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स का क्या उदाहरण है। एक एक ही क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन में बना रही हूँ क्योंकि आपको सही से याद हो जाए। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स का उदाहरण इसमें कौन सा है? कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट्स। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स में आप ये ख्याल रखिएगा कि एक हड्डी दूसरे हड्डी पर फिसलती है, और हमारे कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट्स ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है? थोड़ा चल यानी कि जो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, यानी अर्धचल संधि की बात कर रहा है। तो अर्धचल संधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट्स बोला जाता है। दोस्तों अर्धचल संधि को कार्टिलेजियस ज्वाइंट एंड एम्फियार्थ्रोसिस भी कहा जाता है। दोस्तों चल, अर्धचल एंड अचल संधि को याद करने का ट्रिक है DAS, डास, यानी कि डी से डायर्थ्रोसिस चल संधि को कहा जाता है, ए से एम्फियार्थ्रोसिस अर्धचल संधि को कहा जाता है, यस से साइनोथ्रोसिस जो अचल संधि को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मेरुदंड यानी वर्टिब्रल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसमें सही आंसर होगा 33। डायरेक्ट पूछेगा मेरुदंड में कितनी हड्डियों की संख्या होती है, तो 33 हो जाएगा। यदि इस तरह से पूछेगा कि वयस्कों में कितनी होती है, तो 26, बच्चों में कितनी होती है, तो 33, इस प्रकार से। और डायरेक्ट पूछेगा तो भी आपका 33 होगा। जैसे कि इसमें दोस्तों आपके हड्डियों में 33 हड्डियां कैसे होती हैं कि जो हमारा मेरुदंड की जो हमारा सर्वाइकल बोन यानी गर्दन की हड्डियां होती हैं वो 7 होती हैं, वक्ष यानी थोरसिक जो हड्डियां होती हैं 12 होती हैं, एंड कटी यानी लंबर रीजन में जो हड्डियां होती हैं 5 होती हैं, और त्रिक यानी सेक्रल जो होती हैं वो भी 5 होती हैं। वयस्क वयस्क अवस्था होने पर वो 5 मिलकर 1 हो जाती हैं। एंड जो कॉक्सिजियल हड्डियां होती हैं वो 4 होती हैं, जो वयस्क अवस्था होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती हैं, जिसके कारण वयस्कों में 26 हड्डियां होती हैं एंड बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में यानी कि मेरुदंड में। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीवा संधि उदाहरण है, आप इसको गलती मत कीजिएगा दोस्तों। ग्रीवा संधि यानी जो हमारी गर्दन की ज्वाइंट है वो किसका उदाहरण है? तो ग्रीवा संधि में क्या होता है? ज्वाइंट्स ग्रीवा संधि में क्या होता है? रोटेशन मूवमेंट होता है। तो रोटेशन मूवमेंट हमारा किस में होता है? तो पीवट ज्वाइंट्स में। अभी मैंने बताया है सभी संधियों के बारे में, तो पीवट ज्वाइंट्स में हमारा रोटेशन मूवमेंट होता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है कि मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएं कितनी होती हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें तो दोस्तों दो ऑप्शन सही है, 26 भी होती है 33 भी होती है। दोस्तों जैसा कि हमारे मानव शरीर की हड्डी यानी बैकबोन लगभग 71 सेंटीमीटर लंबा होता है, और यह बच्चों में 33 और वयस्कों में 26 होती है, क्योंकि दोस्तों जो सेक्रम होता है वो इसमें हड्डियों की संख्या 4 होती है, और जो 5 होती है, जो 5 मिलकर 1 हो जाती है वयस्क अवस्था में। एंड जो कॉक्सिजियल होता है उसमें 4 हड्डियां होती है जो एक चारों मिलकर एक हो जाती हैं, जिसके कारण 26 हड्डियां बचती हैं वयस्क अवस्था होने पर।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं, तो कई बार पूछा है, तो इसको मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसमें 100-150 क्वेश्चंस हैं, तो एक ही सीरीज में पूरा नहीं हो पाएगा, एक ही वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, नेक्स्ट सीरीज में होगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एक दो बार आप देखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं रोज़ाना वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा पाऊंगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।